लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Better than in America. Wow, wow. Yeah. Hey, 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 hey. Yeah. Hey, Sonny, go and sit there. Sonny? Yes, boss. लगता है तुम काफी थक गए हो। एक काम करो, सो जाओ तुम। प्रिया चर्चगेट भी मेरी राह देख रही होगी। चीफ जस्टिस ने हम दोनों को पार्टी में इनवाइट किया है, वहाँ जाना है। मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओके ओके। और सुनो, कहीं बाहर मत जाना। ओके ओके, तुम सो जाओ। या स्लीपिंग। ओके, सी यू। एक्सक्यूज मी, क्या सीएम के बारे में आप अपनी राय बता सकते हैं? बताने को इसमें क्या है, केंद्र सरकार देश को बेचने को तैयार है और राज्य सरकार उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। आपकी राय? अरे का बताएं बिटिया, घर देने को कहते हैं देते नहीं, जमीन देने को बोलते हैं देते नहीं, और जब पूछते हैं तो शूट करने को बोलते हैं। सर आपका क्या विचार है? क्या बताऊं मैडम, सब तो आप जानती हैं। 100 करोड़ रुपया खर्च करके जनता के लिए डैम बना रहे हैं और पुल भी बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये पुल गिर जाते हैं और डैम फट जाते हैं। जनता जनार्दन की सेवा करने के बहाने अरबों खरबों रुपये अपनी जेब में भरते हैं। इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होने वाला, न होगा। आम आदमियों को इस सरकार से कोई फायदा नहीं होने वाला मैडम। अरबों खरबों कमा रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं मैडम, इस तरह के प्रोजेक्ट के बहाने रूलिंग पार्टी के मंत्री और उनके कई एमएलए के ही गाड़ी कमाई हो रही है और उनकी वजह से हम जैसे लोग तकलीफ झेल रहे हैं। गरीबी मिटाने के बहाने सबसे पहले ये सरकार गरीबों को ही मिटा रही है मैडम। भगवान भी उन्हें रोक नहीं सकता। सच बताऊं, ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य है, कलयुग है। ओके थैंक यू। कैमरामैन रघु के साथ मैं हूँ रेखा। Hey मैडम, रुक जा, तुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तू अपने चाचा के साथ मिलकर हमारे सीएम साहब और उनके बेटे के बारे में अखबार में गलत गलत छापती है। टीवी रिपोर्टर है इसलिए। hey! जो जी में आए वही करेगी क्या? हा? क्यों भरी जवानी में मरना चाहती है? शूट hey! कर रहा है। देखो मिस्टर, तमीज से पेश आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरी चर्बी उतारने के लिए आया है अपन। ए भाई, मैडम तो पब्लिक सेवा कर रही है, तू क्यों रोक रहा है? जान का फायदा मार। चल यहां से, चल। ए तू क्या यहां क्या कर रही है? चल प्लीज बचाइए, चल छोड़ो। अरे चल ना, यहां कितनी दबे कर रही है? तू क्या करेगा? क्या करूंगा, सड़क से लेकर संसद तक सीएम का बॉडीगार्ड हूं मैं। जब तक मैं उनके साथ में हूँ उन पर कोई आंच भी आने नहीं दूंगा। मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हारी पूरी टीम को। मुझसे मत टकराना, समझे? टकराने से क्या उखाड़ेगी? तुझे और तेरी मीडिया को यहीं पर रोंद कर रख दूंगा। देखता हूँ कौन पहचाने आता है। Hey, Kartus, आजा, आजा, आजा। Leave her. Hey, इसे देख ले। देखिए सर, ये मेरे साथ जो बदन से कर रहा है। मारो साले। चल, चल, चल।
तुम जाके सो जाओ। ओके। हे, सी, रेखा इज कमिंग हियर। हाय। सॉरी टू बॉदर यू। ओह, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मेरा है। हाँ, जहाँ पे फाइट हुई थी वहाँ पे आपने छोड़ दिया था। थैंक यू। या। स्टिल डांसिंग? या। ओके। अरे नहीं, बैठने के लिए नहीं कहा। Hold on up, half the sky.
जनता के सामने जो लाया है। मेरा प्रेस और मेरा चैनल कभी अन्याय के साथ नहीं देगा सर। दरअसल ये चैनल तो समाज का आईना है सर, इसीलिए आप जैसे समाज सेवक हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। सर ये मेरा दावा है, सारी जनता आपके पीछे आएंगी। मेरे पास जितनी भी रकम है आपको दे दूंगा। हमें एक अच्छा नेता चाहिए सर, और वो आप ही हैं। आपसे मेरी एक और गुजारिश है सर, अगर आप हमारे कहे मुताबिक अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक ही दिन में यहाँ की सरकार पलट जाएगी सर। फिर हम एक नई सरकार बनाएंगे सर, गरीबों को मुफ्त में आवास देंगे और सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर देंगे, लोगों को सारी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे और आप जैसे नेक इंसान इस राज्य का सीएम बनेंगे तो कोई भी मंत्री एमएलए या फिर सरकारी ऑफिसर घूस लेने से कतराएंगे सर। हाँ सर। किंग यू या ए सनी या तुम देख रहे हो ना हम यहाँ सीरियसली बात कर रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या बात है मुझे बताओ। Yes! पेश क्यों आ रहे हो हैं? I'm sorry, I'll go there. इसकी बात का बुरा मत मानिए। इट्स ऑल राइट सर। हेलो प्रिया, व्हाट इज दिस चलन? 9 बजे आने के लिए कहा था और अब 11 बज गए हैं और तुमने एक फोन तक नहीं किया, और कितनी देर तक इंतजार करूं? जल्दी से मंदिर में आओ। बस आ ही रहा हूँ। You don't worry, dear. सुनो, कोई काम है तो बाद में देख लेना, अभी तुम जल्दी आ जाओ। Please come soon. मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। Excuse me, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। Sorry, don't mistake me. My friend is waiting for me. I have to go. Okay, sir. फिर मिलते हैं। Okay, bye. I'm sorry, Priya. It's okay. काफी देर इंतजार करवाए ना? ये कोई नई बात नहीं है, हर बार तुम्हारे लिए इंतजार करती रही हूँ। चलो। प्रिया तुम शादी के लिए तैयार हो ना? मैं तो रेडी हूँ, देवी तुम्हारी तरफ से है। तो फिर चलो। प्रिया, वो कौन है? कहीं बॉडीगार्ड्स तो नहीं? नहीं, बॉडीगार्ड्स नहीं, मेरी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? शक्ल सुरु से गुंडे लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सचमुच मेरे दोस्त हैं। इट्स ओके प्रिया, बेफिक्र होके जाओ। ओके बाय। बाय। फोन करना मत भूलना। पहुंचते ही करूंगी। प्रिया कहाँ हो? हाय जगन, मैं घर पर हूँ, अभी पहुँच रही हूँ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओके? हाँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। हेलो सर, सीएम की बेटी प्रिया किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, वो तुरंत उसे मिलने के लिए कार से जाने वाली है, क्या करूँ बताइए। ऐसी बात है, उसका पीछा करो तुम लोग,
मैं भी आ रहा हूं। कार कोई नहीं, तुझे भी डैमेज कर दूंगा। अच्छा कहनी थी, उस दिन तुमने जिनको देखा वो मेरे दोस्त नहीं है बल्कि डैडी द्वारा अपॉइंट किए गए बॉडीगार्ड्स हैं। जगन, मेरी डैडी स्टेट की सीएम है और सब लोग उनसे बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने प्यार के खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला। उसी दिन मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारे डैडी के भेजे हुए गुंडे हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। एक बात कहूं प्रिया, हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। इट्स अ प्रॉमिस जगन। सो तो ठीक है, लेकिन ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अगर मैं बता देती तो हमारे बीच दूरियां और बढ़ जाती। दूरियां क्यों बढ़ेगी? तुम्हारे पिता सीएम है, इस डर से मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्या? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं या फिर? जगन, तुम मुझे डरपोक समझ रही हो। काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तेरे, मेरे बच्चों के या लैंड के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में अगर कुछ भी कहा तो काट के रख दूंगा। तेरे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैंने अगर बोल दिया तो तेरी नींद उड़ जाएगी। तूने जो कहा वो सच नहीं है, काट डालूंगा। चंद्रशेखर, क्या कहा, मुझे काट डालोगे? हाँ बे, बीच में आया तो तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी काटूंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं राजगढ़ सीमा का ठाकुर हूँ, तलवारों से खेलना हमारा पेशा है। फोन रख। सरकार, मैंने उनसे बात कर ली है, आप टेंशन मत लीजिए। वो भला क्या करेगा,
हमसे भिड़ने की हिम्मत उसमें भला कहाँ है? गुंडागर्दी नहीं कर सकता, उसे तो मंत्री या चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। उसकी औकात क्या है? जीरो है। अजी कुछ नहीं करेगा वो। हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, ये हम जानते हैं, मगर वो नहीं जानता। क्यों चौधरी जी? सर, उसने अपने आदमियों के लिए क्या किया है? ना कभी किसी को साथ में मिलाया और ना ही किसी को कोई सीट दी। हाँ। अगर सीट दी भी तो उसे ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। आज तक कौन ऊपर उठा है? राजनीति में पैठ बनाने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास जो है MLA, MP और मंत्री लोग, और इन सब की बात प्रजा, और इनको क्या चाहिए? हम जो कहते हैं करते हैं, पैसा देंगे तो वो हमें जिता देंगे। हाँ। अच्छा चौधरी जी, आप ही बताइए, आज हमारे मंत्रिमंडल में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? ऑलमोस्ट 40। ऑलमोस्ट क्या कह रहे हो, सबको मंत्री की पदवी दी है, हर तरह की छूट देकर उन्हें कमाने का मौका दिया। आज हर एक की जेब में करोड़ों रुपए हैं। सही कहा। CM साहब बुरा मत मानिए, आपने अपनी जात वालों को ही मौका दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप, इन्होंने सबको दिया है, तुम्हें भी दिया था, ये तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। सब लोग कमा चुके लेकिन सबसे ज्यादा आपने ही कमाया। चौधरी जी, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये बताइए, हम में से किसने नहीं कमाया है? चौधरी साहब, आपको ये पता है, जब विपक्षी सरकार थी तो सारे MLA यहाँ से वहाँ तक कमाने के लिए घूम रहे थे। हमारी सरकार में एक एक MLA ने 100-100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। अरे उसे तो छोड़िए, छोटे मोटे पंचायत के प्रेसिडेंट ने भी 10-10 करोड़ कमा लिए, ये मत भूलिए। कितने लोग करोड़पति बने हैं, हैं? एकदम सही। हाँ, करोड़पति बन गए हैं। मैंने हर एक जाति वाले को मौका दिया है। क्यों तुम्हारी जात वाले को नहीं दिया गया? उसने नहीं कमाया क्या? हाईटेक करप्शन नहीं किया क्या? बिल्कुल सही। वो मेरे बेटे के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जब मैंने सबको कमाने का मौका दिया? उन्हें कमाने से मैंने कभी रोका है क्या, जो आज मेरे बेटे पर उंगली उठा रहे हैं? इस तरह टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो सच्चाई कह रहा था सर। अगर तुम उस पार्टी में होते तो तुम्हें पता होता, तुम्हारा अपना भी जो है वो भी चला जाता। मुझ पे भरोसा रखने वाले को मैंने करोड़पति बनाया है और बनाऊंगा। ये तो सच है साहब। किसी ने टांग अड़ाई तो उसे काट के रख दूंगा। पिताजी, क्या हुआ बेटे? आजा 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 आजा। नमस्ते 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 बेटा। पिताजी, आपसे पर्सनली बात करनी है। आपसे बाद में बात करूंगा, अभी आप जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। चौधरी जी, आप भी जाइए। अब आ गया दीदी। नमस्ते। ये बताओ नरेंद्र, टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं, टेंशन नहीं, कमा चुके हो, दिन रात और कमाओ। अरे फैक्ट्री खोलो, सीमेंट फैक्ट्री खोलो, जिंक फैक्ट्री, वो भी नहीं तो स्टील फैक्ट्री खोलो। अरे बेटा, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए मुझसे बोलो, मैं दे दूंगा। अरे तुम तो आने वाले कल के चीफ मिनिस्टर हो बेटा, सरकार अब आप ही इन्हें समझाइए। प्रॉब्लम वो नहीं है अंकल, दरअसल बात यह है कि। अरे क्या हुआ नरेंद्र, प्रिया किसी से प्यार करती है? उसकी जात क्या है, वो है कौन, क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है, और वो कहाँ रहता है, उसकी ये जानकारी ली है क्या, वो हमारे लायक है या नहीं? बेड़ा गर्क हो जाए, समझाने पर भी समझते नहीं है, घर वाले को लूटते हैं, बाहर वालों को मारते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं, मेरे पास रखने के लिए कुछ दिया, इसने मुझे क्या होम मिनिस्टर का पोस्ट दिया, पूछते ही लड़की को सब कुछ दे दिया, उसको पूरा बिगाड़ दिया, और उसका नतीजा ये हुआ, वो किसी अनजान लड़के के साथ भाग गई। अब किस किस को काटने के लिए बोलेगा ये? ये तो क्या बोल रहा है, क्या समझ के बोल रहा है, काट डालूंगा, जा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए अंदर चलिए ना बाबूजी। काट दो भाई, जाओ यहाँ से, चुप रहिए, चलिए ना। इस बुढ़ऊ से तो तंग आ गया। उसने इससे पहले भी हमारे निजी मामले में बहुत दखलअंदाजी की है। वो सूर्यकांत है ना, हमारे ऑपोजिशन का लीडर, उसकी बेटी के साथ मिलकर वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उसका स्टेटस क्या है, कास्ट क्या है? उसका नाम तो जगन है, मगर उसकी कास्ट मैं नहीं जानता, हमारी जात का नहीं है। नेक्स्ट, कहाँ तक पढ़ा है, जायदाद कितनी है, हा? वो अमेरिका से पढ़कर आया है। सर नरेंद्र, मुझे एक घंटे के अंदर उसकी कास्ट, पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसकी जायदाद, ये सारी जानकारी चाहिए। ओके, मैं देख लूंगा पिताजी। ये तो क्या बोल रहा है, देखने की बात नहीं, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, ठीक है पिताजी। हे जगन्नाथ, सरकार बोलिए ना। इस विषय की जानकारी मुझे एक घंटे के अंदर चाहिए, और एक बात, किसी और को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, बहुत होशियारी से करना, हमारे मंत्रियों को भी इस बात का पता ना चले। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, चलता हूँ। ठीक है जा। किसी का भरोसा मत करना, किसी का भी नहीं। अरे बाप रे बाप, चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बहरा हूँ क्या?
ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रहा है वो? अगर ऐसे ही बेटी पर चिल्लाते तो भागकर कहीं नहीं होती। ससुर का नाती बेटी को छोड़ दिया और मेरा दिल तोड़ दिया। आपके दामाद काटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जब से बेटी भागी है वो परेशान से रहते हैं। सबके सामने तुम उनका अपमान करोगे तो क्या फिर उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वो इस प्रांत का सीएम है, कोई मामूली आदमी नहीं। इस बात को मत भूलना। आपको समझाना नहीं? अबे पैदासी बहरे, इस तरह सुनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ऐसे खुसुर खुसुर क्यों कर रहे हो? ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते? अगर ऊंची आवाज में बोलूंगा तो सीएम मुझे काट के रख देगा। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे से बोल सकते हो ना उल्लू की तुम? हे भगवान, इस बहरे से तू ही मुझे बचा। जवानी दो दिन की जिंदगानी, मस्ती में डूब जाओ, ले लो मजा right now, झूमो मस्ती में right now, आ जा बाहों में right now, मेरी जुल्फों की घटाओ में पाएगा चैन। Girl, I wanna rock it, baby. Come on, girl, let me rock it. Mujhko kar de mastana, sancha mera deewana, kudiyon ko dale dana, saamon se mujhko bhana, mera dil masti mein jume, mera dil masti mein, mera dil masti mein jume. जाओ, तुम जैसा सोचो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। या हेलो
डोंट वरी प्रिया, सब मैं देख लूंगा। ओके बाय 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 सनी, बाय बाय। ओके टेक केयर प्रिया, बाय। प्रिया रुको, तुम उससे प्यार करती हो? Yes daddy, I'm in love with him. सोच समझ के बोल रही हो? बताओ सच में तुम उससे प्यार करती हो? Yes daddy, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करने का मेरा फैसला है daddy। सारे फैसले तुम ही लोगी क्या? उसकी कास्ट क्या है? कास्ट वास्ट मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तहे दिल से उसे प्यार किया है। आप खुद लोगों को बताते रहते हैं कि जात पात में कोई भेदभाव नहीं है, हर रोज यही भाषण तो आप देते रहते हैं टीवी पर। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ डैडी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं ये तुम्हारा फैसला ना मानूं तो तुम क्या करोगी? डैडी अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं सारी जिंदगी साध्वी बनकर रहूंगी। आगे आपकी मर्जी डैडी। ओके ए, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम सीएम की बेटी हो, मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? बैठो, बैठो, सिट डाउन। हाँ बताओ उसका नाम क्या है और वो करता क्या है? उनका नाम जगन है। उसका फोन नंबर? 9841295575। जल्दी से उसको फोन लगाओ। डैडी वो बहुत अच्छे हैं। हेलो, दो मिनट प्लीज, सीएम आपसे बात करना चाहते हैं। लाइन पे हैं। मैं यहाँ का सीएम चंद्रशेखर ठाकुर बोल रहा हूँ। कल सुबह ठीक 9 बजे हम दोनों की मुलाकात होगी। जरूर, लेकिन कहाँ पर सर? तुम्हें यहाँ मेरे घर पर ही आना होगा। तुमसे कुछ जरूरी बात करने के बाद सगाई की तारीख तय करेंगे, फिर अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। ओके ओके, जरूर मैं आ जाऊंगा सर। ओके कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच सर, नमस्ते। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। मैंने ये जो भी कमाया है सब किसके लिए है? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कल सुबह 9 बजे तुम्हारी सगाई की तारीख तय होने वाली है। मुझे आप पर फक्र है डैडी, मुझे विश्वास है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। इट्स ओके प्रिया, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। थैंक यू डैडी। ओके अब जाओ आराम करो। ए, तुम अपना काम करो। जी। क्यों रे नरेंद्र, ये लगता है दिमाग से पैदल है। वो ना हमारी जात का है ना हमारे स्टेटस का है, ये सब जाने बिना हमारी प्रिया बेचारी उसके प्यार में फंस गई। प्यार है या ढोंग है? वो साला दौलत के चक्कर में इससे प्यार करता है। अब तो क्या करेगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, कल सुबह उसके आते ही काम तमाम हो जाना चाहिए। रमेश गौड़ को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, बोलिए। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, पिताजी से बात करो। ए रमेश गौड़, ये तो भूल से मेरी बेटी एक बहरूपिये से प्यार कर बैठी, तुझे जो भी चाहिए ले लेना, कल सुबह 9 बजे से पहले ये मैटर सेटल हो जाना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ ले मैं क्या। समझ गया ना? अब उन समझ गया सीएम साहब, आप बेफिक्र रहिए, कल 9 बजने से पहले मैटर सेटल हो जाएगा। सुनो, सीएम की बेटी को कोई लौंडा लाइन मार रहा है, कल 9 बजने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े करके वर्ली के गटर में फेंक देना। Thank you.
तरफ इशारे करके बंदरों की तरह नाच रहा है। यू, यू, पता नहीं यार ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जस्सी माय बॉस, यू यू। क्या कर रहा है वो? लगता है कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। या। कहीं पागल तो नहीं? जस्सी फ्रॉम योर आईज लुक एट मी, यू यू। इशारे कर रहा है। अपने दिल में मुझे बसा लो। तेरी तरफ इशारा कर रहा है। देखना आंखों से इशारा कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है? कमीना कहीं का। इसे तो जूते से मारना चाहिए। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। इसकी कंप्लेन हमें पुलिस में करनी होगी। चलो चलते हैं यहाँ। नरेंद्र, कल सुबह 9 बजे मैटर सेटल हो जाना चाहिए। रमेश गौड़ को बोल दिया है, उससे बात करके मैटर कहां तक पहुंचा जान लो। प्रिया की बात किसी को पता तो नहीं चली? ना ही साहेब। और पता चलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है साहेब। कमिश्नर को फोन करो। हाँ बोलिए। मेरे केस का क्या हुआ? हेलो कमिश्नर साहब, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब, बोलिए। मेरे पिताजी आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं। एक मिनट। लीजिए साहेब। हेलो। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। बहुत जरूरी बात है, किसी बहरूपिये ने मेरी बेटी को प्यार के जाल में फांस लिया है। इतना ही नहीं, हमारी राजनीति में भी टांग फंसा रहा है वो। मेरे पास उसकी पूरी जन्म कुंडली है। जानता हूँ, उसका नाम जगन है। अमेरिका में रहकर काफी साल पढ़ा है, ट्रेन्ड इन स्पेशल फोर्स। अमेरिका में कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट में सर्विस भी की है। रेखा नाम की युवती के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहा है। आपकी सरकार की मदद भी कर सकता है। He is the right person for your young daughter. Okay. Sir. मैं बाद में बात करता हूँ। Okay, sir. नरेंद्र, ये कमिश्नर काम नहीं करेगा। रमेश गौड़ को फोन लगाओ। हेलो रमेश गौड़, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। बोलेगा। वो मामूली आदमी नहीं है, तुम क्या करोगे पता नहीं। कल सुबह तक वो शहर में नहीं दिखना चाहिए। उसे पैसों की लालच दो, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। ओके नरेंद्र साहब, घबरो नक्का, ये केस अपन देख लेगा। पैसों से बात नहीं बनी तो अपन उसे टपका देगा, बाकी का काम आप देख लेना। ओके, हम देख लेंगे, सरकार हमारी है। क्यों रे, डीएम साहब के खिलाफ अखबार में लिखेगी? इस भीड़ को फोन करना। शराब ला, चलो पियो। पीले 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 केले। हेलो, कौन है आप? राजा रमेश गौड़ बोल रहा हूँ। तुम्हारी माशुका रेखा यहाँ है। तुझे अपन एक घंटे का टाइम देता है, अगर तू उससे पहले यहाँ नहीं आया तो मैं उसका रेप कर डालूंगा। आई बात समझ में? अरे बताओ ना। रमेश गौड़, तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं भी आ रहा हूँ। एक 9 बजने से पहले तू आ गया, क्या भाई? तो वाकई मर्द निकला। अब उनके बारे में जानकर
तू आज अपुन से मिलने के लिए यहाँ आ गया ना, मान गया जगन। सीएम से तेरी क्या दुश्मनी है? 5 करोड़ देता हूँ, ग्रेट डील, उसे लेके जाओ, वापस अमेरिका चले जाओ, एंजॉय द लाइफ। तेरी ये माशूका काफी सेक्सी है, इसे दे दे, अपुन रख लेगा। तुझे 5 करोड़ चाहिए या इसकी मौत? तुझे मान गया तो इस लौंडियों को ढूंढते हुए आप उनके अड्डे तक जो आया, तेरे हिम्मत की दाद देता हूँ। अरे तू तो कमाल का आदमी है। अरे भेड़ो, बोल, डील या नो डील? डील या नो डील? नो डील। अरे तुझसे कैसे डील? ओए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दा। तुझ जैसे गुंडों से नो डील, कोऑपरेट करने वालों से ही डील, आई बात? बाबा जी, अरे चला क्या रहे हो? वो आ गए, वो आ गए। आज इस घर में किसी की पुंगी बजने वाली है। चुप कर, फालतू में चला रहा। पिताजी, वो आ गया। बाप रे, क्लोजअप में आ रहे हैं इसके। ए, तुम सब बाहर जाओ। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है? जगन साहू। और कास्ट क्या है? बताना जरूरी है। तुम्हारी कास्ट का पता नहीं, कहां रहते हो पता नहीं, इसके बावजूद मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं, क्योंकि प्रिया मेरी जान है। मैंने इसीलिए उसकी बात मानकर तुमसे बात करने के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया है। मगर ये रेखा कौन है, उसके बारे में प्रिया को बताया? तुम्हारा उससे संबंध क्या है? Come on, speak up. तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? She's just my friend. She's not your friend. She's your lover, your dearest. प्रिया, अभी भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? हाँ? जबकि इसका किसी और के साथ भी संबंध है। हमारे पास इसके जीते जागते सबूत हैं। फिर भी तुम इससे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जगत, तुमने रेखा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए। If she's just your friend, why couldn't you tell me? Don't you trust me? ये मेरी जिंदगी है, मेरा पति किसी और लड़की के साथ रिश्ता रखे ये मुझे मंजूर नहीं। She's just my friend, that's all. Maybe. लेकिन सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं प्रिया, he's a number one criminal. के असले से तुम वाकिफ नहीं। hey, तेरी ये मजाल, तुझे मेरी बेटी प्यार करती इसलिए चुप्पू वरना काट डालता। Get out from here. आज से तुम मेरी बेटी को भूल जा, दफा हो यहाँ से वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके यही दफना दूंगा। मैं यहाँ का सीएम हूँ। प्रिया, रेखा इज जस्ट माई फ्रेंड। इफ आई सी यू नेक्स्ट टाइम हियर आई विल किल यू। बेटी, तुम चिंता मत करो, तू अभी तक जिंदा है सिर्फ मेरी बेटी की खातिर। चल निकल यहाँ से, तुम अंदर जाओ बेटी। प्रिया, तुम भी, तुम्हारे डैडी कौन है? सीएम है। जगन साहू से भी अच्छा लड़का ढूंढ के निकालेंगे वो, उसके बारे में सोच सोच के रो रही है, पागल हो गई है क्या? मत रो प्रिया बेटी, मत रो, चल अंदर चल, चल। नरेंद्र जी, पिताजी, इधर आ। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, होम मिनिस्टर से बोलकर।
नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। जानती हूँ तुम प्रिया के बारे में सोच रहे हो। डोंट वरी। मैं प्रिया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ रेखा, और सीएम को कुर्सी से किस तरह हटाऊं यही सोच रहा था मैं। मेरे अंकल तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए वीआईपीज के साथ वेट कर रहे हैं, और पूरा मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है। जगत, हम सबका टारगेट सीएम है। जिस पब्लिक ने उसे वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है, उसी पब्लिक के भरोसे को वो धोखा दे रहा है। प्रिया, इस फाइल को संभाल कर रखना। ओके अंकल। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नो फॉर्मेलिटीज, प्लीज बैठ जाइए। नमस्ते। हाउ आर यू सर? फाइन। अंकल, आप इन सब के बारे में जगन को बताइए। ठीक है बेटी, ये पांचों व्यक्ति काफी मशक्कत करके ऊपर आए हैं। ये हमारे साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहते हैं। ये हैं राठौर जी। नमस्ते सर। नमस्कार राठौर जी। मुझसे जो भी मदद चाहिए आप बेझिझक होके पूछिए। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। नंबर वन बिजनेसमैन, रियल एस्टेट का काम करते हैं, एनआरआई पार्टी सब इन्हीं से डीलिंग करते हैं। ये है उत्तम चंद और ये है इनकी पत्नी। नमस्ते। ये बहुत ही नेक इंसान है, 8 बार MP इलेक्शन लड़कर जीत चुके हैं। वो है राजगौड़। नमस्ते सर। समाज सेवक है, आज इनकी वजह से हमारे राज्य की कई गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कठिन परिश्रम करके ऊपर आए हैं। समाज में इनकी एक जगह है। ये अपनी सारी जायदाद खुशी खुशी जनता के भलाई के लिए देना चाहते हैं। और ये है राव जी, बड़ा बिजनेसमैन है, और ये भी अपनी सारी जमा पूंजी देश के गरीब जनता की भलाई के लिए लगाना चाहते हैं। और वो है उमाशंकर, बहुत ही अच्छे इंसान है, 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जनता के भलाई के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनके अधीन 20 MLA हैं और सब इनकी तरह नेक हैं। मेरे ख्याल से ना इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और न ही किसी का बुरा किया है। और वो है राजीव जी, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, गरीब लोग इन्हें मसीहा मानते हैं। आजकल जमीन की कीमत आसमान को छू रही है, फिर भी ये गरीब जनता के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए में फ्लैट्स दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए बैंक लोन का भी प्रबंध करते हैं। और ये है डॉक्टर जॉन, कार्डियोलॉजिस्ट, अमेरिका में पढ़ाई किए हैं, इनका पूरा परिवार अमेरिका में। सिर्फ यही नहीं, इस शहर में इनके कई बड़े बड़े अस्पताल हैं। इन्होंने कई गरीब लोगों की जानें बचाई हैं। ये उनके लिए देवता समान है। इनके अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, फीस भरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा डॉक्टर जॉन ने अनाउंस भी किया है। सर, गवर्नर के बंगले से फोन आया है, 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना होगा हमें। एक मिनट प्लीज। रेखा, इनके साथ सावधानी से पेश आना। ओके। I would like to see the important file. Please give it to me. ओके। ये लीजिए। और सुनिए डॉक्टर जॉन साहब, मैंने सुना है कि शहर में तकरीबन आपके 10 अस्पताल हैं, उसे आप गरीब जनता के नाम करेंगे। जरूर कर दूंगा सर। ओह, आई एम सॉरी, आपके बाल बच्चे तो होंगे। हैं सर। तो 5 अस्पताल गरीबों के नाम कर दीजिए। वैसे ही कर दूंगा सर, जो भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा, लेकिन इस सरकार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। रेखा, इस फाइल को रख लेना। आप जाइए, देर हो जाएगी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आपकी इच्छा सर। हां सुनो, सबको खाना खिला के भेजना। ओके ओके सर। बात वो नहीं इंदिरा बेटी, दामाद जी समाज सेवा करते रहेंगे तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, दौलत हमारे साथ रहेगी तो जनता भी साथ होगी। अगर वो मिट्टी में हाथ रखेगा तो पल भर में वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अरे बाप, ये 100% सच है। आओ आओ नरेंद्र। हाँ बोलिए। आओ देखो बेटे, मैं जहाँ जमीन लूंगा वहाँ तुम फैक्ट्री बनाओगे। हाँ। देखो बेटे, मैं जो भी करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए मैं करूंगा। इस नाना के होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो बेटे, हमारे पास अरबों की दौलत है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं? तुम सीएम बनोगे तो मुझे होम मिनिस्टर बनाओ। इस सीएम ने क्या किया? देखो बेटे, अखबार वालों को और मीडिया वालों को कार दूंगा क्यों कहते हैं? वही तो। मेरा चैनल और तुम्हारा प्रेस।
और हम जिंदगी मजे से जिएंगे। हम वीवीआईपी होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें सीएम बनाना चाहता हूँ। ओके नाना जी, इस पीए को मेरे हवाले कर दो। हाँ से समझ लीजिए ये आपका पीए। अरे धन्यवाद जी। ये क्या पिताजी, जब से तुम आए हो कुछ न कुछ कहते रहते हो, देखो वो नाराज होकर चला गया। बैरे तू मामूली आदमी नहीं है, दोनों पैर कब्र में लटका के बैठा है फिर भी तू होम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। तेरी तो तेरे कान में ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होगा कि तू उसी से मर जाएगा। कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसा ख्वाब देख रहा कि तुम होम मिनिस्टर बन चुके हो। हैं हमारे देखिए सीएम साहब आ रहे हैं। आइए। आजी साहब, सीएम ने घोटाला करके जो भी दौलत कमाई है उसकी फाइल है ये। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये गोपनीय फाइल आपके हवाले कर रहा हूँ। केयरफुली हैंडल करना इसे। जगन साहू जी, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, लेकिन इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। इस केस को सीबीआई के हवाले कर दूंगा, उनसे टक्कर लेना हम पुलिस वालों के बस में नहीं है। फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, वो इस्तीफा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर वो चुनाव हार गए फिर देखिए मैं खुद ही नॉन अवेलेबल वारंट लेकर उन्हें अरेस्ट कर लूंगा। अच्छी बात है सर, कल 10 बजे हम लोग कमिश्नर ऑफिस में मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू सर। अहमदनगर के चौधरी साहब, इनके पास तकरीबन 15 MLA हैं, और ये है शबीर भाई, मुस्लिम लीग के लीडर हैं। सलाम अलैकुम। स्टूडेंट लीडर को आने के लिए बोलो, प्लीज कम। ये है मिस्टर राजू, स्टूडेंट लीडर, सारे स्टूडेंट के सपोर्ट इनके साथ है, ये भी हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं। प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सब प्रजा की भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कीजिए। मैं यहाँ टीवी में न्यूज देख रहा हूँ, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? हर एक चीज की हद होती है सनी। अब रो क्यों रहे हो? तुम कोई नया संगीत कंपोज करने वाले थे, क्या हुआ? आई रिमेम्बर, या 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 या, यू जस्ट वॉच। What the hell you want from me? ए लाल टमाटर, द्रौपदी के 5 पति थे, तुम्हारे 15 पति है, 15 पति। बहुत मजा आएगा टमाटर, बहुत मजा आएगा। हाँ। What are you talking about? इसकी बात आप उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। Don't touch me. Hey, तू इनके बारे में क्या बोल रही है? इनको जानती है तू? ये बहुत पावरफुल इंसान है, इनसे मत टकराना। बेवकूफ लड़की। What the hell you're doing? I will make a police complaint. Wait and watch what will happen to you people. You have kidnapped me and it's a big crime, you know? Hey, you want to give me complaint? I am a policeman. I am Assistant Commissioner of Police. Give me complaint. Give me complaint. Hey, time waste नहीं करना. Phone पकड़ाओ. Phone पकड़ाओ उसे. जगन से बोल के हमने तेरा kidnap किया है. अरे बोल ना. Immediately call him. Hello. Krishna here, isn't Jagan? Yeah, Jagan speaking. Jagan, I have been kidnapped. They're forcing me. Please, please, Jagan, come here. But I don't know the place. Hey, hello. इधर ला। अरे जगन, साले, आधे घंटे के अंदर भूत बंगले के पास आ जाना। अपने साथ सारी फाइल्स भी लेकर आ जाना। हाँ। Okay, मैं अभी फाइल लेके आता हूँ। Okay? Be there. What the hell are you doing? Hi, Jalebi. Don't touch me. Hi,
आजा आजा। अरे शेर खान, इसे देखकर होम मिनिस्टर डर रहे थे क्या? ए साले, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें फाइल चाहिए ना, लाया हूँ। अब इस मैडम को छोड़ देता हूँ। तुम खुद को हीरो समझ रहा है क्या? आया मास्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसी जगह पर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अरे भाई, तुमने ही कहा था कि फाइल लेकर आओ और मैडम को लेके जाओ। अरे दे दे, ये फाइल दे दे, टमाटर यही रहेगी। अब तू जा। क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, आई नो हाउ टू सेव। इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक से देखिएगा प्लीज। इस कमीने ने हमको धोखा दे दिया, इसे जान से मार दो। I just came to meet you, Jagan, but they kidnapped me. हाँ, रुक जाइए, रख लो तुम। Hey, पकड़ो इसे। कृष्णा, तुम इनके हाथ कैसे फंस गए तो बताओ। I was just coming to meet you and suddenly these people kidnapped me. I think for some ransom they have done this. You're not worried. मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, ओके? वालों को मेरी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। सर, ये महिला संघ के अध्यक्ष हैं, आपसे मिलने के लिए आई हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपने जो अन्याय के खिलाफ अभियान छेड़ा है उसमें हमारा महिला संगठन हमेशा आपका साथ देगा, ये प्रतिज्ञा है। वेल डन जगन साहू जी, आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने ये चेक आपके लिए भेजा है। रख लो। ये है? या या। ये है क्या? आइए आइए, वेलकम सर। कुछ बोला उसने? अब तक तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत जल्द बोल देगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेल, अंदर जाके देखते हैं। नहीं, 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 नहीं
सर इनसे बाद में मिलेंगे, पहले सत्य को बुलाइए। ठीक है सर, इन सब का अंदर करो और केस दर्ज कर दो। ओके सर। कृष्णा लेट्स गो। आइए सर। श्योर। तुझे अमेरिका की लड़की चाहिए? बल बे, बल। क्यों बे? तुम्हारी इस गैंग में कितने आदमी हैं? कहां कहां डाके डाले हैं तुमने? मुझसे ही झूठ बोलते हो? सच बुलवाना जानता हूं मैं। मारो इसको। अरे अरे कुछ मत कर ऐसे। मैं सच बोल रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने परिवार की कसम खाता हूं साहब। सर मैं सच बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम अपने सारे गुनाहों को कबूल करके कोर्ट में आकर होम मिनिस्टर के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हें सारे केस से बाइज्जत मैं बरी करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं गवाही दूंगा साहब तो होम मिनिस्टर साहब मुझे मार डालेंगे साहब। ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम एक शातिर बदमाश हो। नहीं सर, मैं बदमाश नहीं हूँ सर। कमिश्नर साहब ये सर नहीं मानेगा। ये जब तक इन्हें परोसो, आप पेट भर के खाना खाइए। ओके कृष्णा, यहाँ पे सर्व करना चाहिए इनको। ओके बस बहुत हो गया। कृष्णा यहाँ भी बच्चों शर्माओ मत, भरपेट खाओ। तुम लोगों को पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करनी होगी बच्चों, ये मत भूलना। करोगे ना? जरूर करेंगे सर। खाना अच्छा है ना? भरपेट खाओगे तभी पढ़ने का मन करेगा। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। ओके, तब तुम डॉक्टर बनकर गरीब जनता की सेवा करोगे। जन्म देने वाले माँ बाप को भूलना मत कभी। ओके, और जो बच्चे माँ बाप की बात सुनकर पढ़ाई करेंगे उन्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। अच्छा तुम क्या बनोगे बोलो? पुलिस सर। पुलिस बनोगे? पुलिस बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ना। ओके वेरी गुड बेटे, शाबाश। रेखा मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन में तकरीबन 1,00,000 लोगों को मैं खाना खिलाऊं। आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। केवल यही नहीं, हमारे राज्य के हर एक जिले में से एक अच्छी जगह चयन करके मैं गरीब बच्चों के लिए अन्नदान का प्रबंध करूंगा। रेखा ओके। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। दौलतमंद लोगों को गरीबों की कोई फिक्र नहीं होती है। You're right. इसलिए कारोबारियों से एक बड़ी रकम चंदा के रूप में लेकर मैं गरीबों की मदद करूंगा। रेखा राजीव जी आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है, चेक दीजिए। रेखा जी ये लीजिए ब्लैंक चेक। जगन साहू जी को सम्मानित करते हुए ये ब्लैंक चेक हम आपको दे रहे हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी रकम चाहे इसमें फिल कर सकती हैं। ट्रस्ट की ओर से आपको और भी सहयोग मिलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू रेखा, जरा मुझे अन्नमनी के ऑफिस जाना है। या कृष्णा ये चेक और भी बच्चे हैं खाने के लिए, वहाँ उस तरफ। ठीक है, ख्याल रखना। एनबीसी न्यूज के जरिए प्रतिदिन हम आपको एक खास व्यक्ति से मिलाते हैं और आज हमारे साथ हैं मिस रेखा। नमस्ते, आई एम रेखा। दिस इज अ स्पेशल कवरेज ऑन पब्लिक पॉलिटिक्स एंड करप्शन। आने वाले इलेक्शंस में जगन साहू की अवश्य जीत होगी, हमारे एनबीसी सर्वे टीम द्वारा ये खबर हमें मिली है। तत्कालिक सीएम चंद्रशेखर ठाकुर की जुल्म और गुंडागर्दी की वजह से हमारे राज्य की जनता बहुत परेशान है और उन्होंने हमारे एनबीसी संवाददाता के जरिए ये खबर हमें भेजी है। जनता का कहना है कि अन्याय का अंत एक न एक दिन होगा ही। मैं और मेरे अंकल मीडिया के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। गुंडे भेजकर हम दोनों पर हमला करवाया और उन्होंने हमारे बंगले पर पत्थर फेंकवाया। जनता की मदद करने वाले जगन साहू पर भी उन्होंने कई बार हमले करवाए। जगन इज अ ट्रू मैन हु कैन सर्व दिस कंट्री, दिस स्टेट एंड द पीपल। जगन गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, आप ही देखिए वो उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हर रोज 1,00,000 लोगों के लिए खाना, गरीबों के लिए शिक्षा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम होने के बाद भी वो इस तरह के काम करते रहेंगे और हमारी जनता को जगन साहू पर पूरा पूरा विश्वास है। यानी मेरी पत्नी ए नरेंद्र, वो जगन इतनी दौलत और दिमाग वाला निकलेगा सोचा नहीं था। आज वो बहुत डेवलप हो गया है,
आने वाले चुनाव में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम चाहे जितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर लें, अगले चुनाव में जीतना मुश्किल होगा। क्या करना है पिताजी, बोलिए। साले नो, 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 नहीं नरेंद्र, अभी कुछ मत करना, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाएगी, स्टेट लेवल तक तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी पहुंच सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। गवर्नर को फोन लगाओ। हाँ। हेलो, गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ, अच्छा हूँ सर, आपसे पिताजी कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं। ओके सर। पिताजी, लगता है गवर्नर डबल गेम खेल रहा है। जानता हूँ रे, आखिर गवर्नमेंट उसी की है, इसलिए होशियार रहेगा वो। फोन मुझे दो। हाँ हेलो गवर्नर साहब, अगली हमारी ही सरकार बनेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, किया तो चुन चुन के काटूंगा। ओके गवर्नर साहब, धन्यवाद। ए नरेंद्र। जी पिताजी। हमारे सीक्रेट्स कौन लीक कर रहा है ये जानकर उस कमीने को ठिकाने लगा दो। ओके। जय बाप रे, तारे मत मारिए, मत मारिए। कौन है बेतू? मैं हूँ मामा जी, आपका दिलीप ठाकुर, भूल गए क्या? तू है? अरे गाली दे रहा है। मैंने कहा गाली दी ताऊजी, मैं तो तारीफ कर रहा था। जानते हैं मामा जी, सुबह से बहरा मुझे मार रहा है। क्या? मैंने अपने दामाद को धोखा दिया, इनसे मेरी चुगली कर रहे हो तुम? मैंने कब चुगली की मामा? इस बहरे का विश्वास मत करना, खामखा उंगली कर रहा है। दरअसल 10 साल पहले ही मैं चिंचपोकली से उबली गया था। बताइए मामा, सच बोलना गुनाह है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बहरा कान में मशीन क्यों नहीं लगाता? ये बहरा है, कितना भी जोर से बोलो सुनाई नहीं देता है। देखो बेटा, मैं इन पर भरोसा करूंगा तो ये दोनों मुझे नींद में मार देंगे। मैं तुझे नींद में क्यों मारूंगा, हकीकत में ही मार दूंगा। ये कैसे कपड़े पहन रखे? आजकल ये फैशन है, इचड़े भी पहनते हैं। आपके लिए जरॉक्स बनवाऊं क्या? जबान से एक भी शब्द निकाला तो जबान काट डालूंगा। जा यहाँ से, ले जाओ इसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल चलो चलो यार। कोई भी हमारे काम के लायक नहीं, सब के सब साले नालायक हैं। रेखा? यस। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेरे एक दोस्त रहता है, साउंड इंजीनियर राजा। साउंड इंजीनियर? या आई नो। राजा, उसे मेरी तरफ से एक ईमेल भेज देना। या। देर मत करना, जल्दी। श्योर। थैंक यू। काम पर नहीं चलोगी? किसके सामने देख रही हो तुम? तुम लोग प्रतिदिन स्कूल जाकर अच्छी तरह पढ़ लिख कर पास होकर अपने माँ बाप, गरीब जनता और इस भारत देश की सेवा करोगे, करोगे ना? अवश्य करेंगे सर। अच्छे से पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल। तुम्हारा नाम क्या है? नवीन। और तुम्हारा? कृष्णा। जो आज तुम लोग नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्कूल जाओगे, ठीक है? ठीक है सर।
All these kids are tomorrow's bright future. Do you know that? चल अंदर। अबे सत्या, अब तो बोल, ये बयान तुम्हारा ही है ना? जी हाँ साहब। सत्या, अगर तुम पूरा पूरा सहयोग करोगे तो तुम्हें जेल की सजा कभी नहीं होगी। सर, बाल बच्चों वाला हूँ, रहम कीजिए साहब। मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। इसे छोड़ दूं क्या? इसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। अभी कम करा दीजिए इसकी। देखिए डीजीपी साहब, ये हमें पूरा पूरा सहयोग दे रहा और हमारी मदद भी करने वाला ही है, करोगे ना? करूंगा सर। ओके ओके। आ जाओ। बताओ से मेरी चुगली कर रहे हो? क्यों बहरे, मैं चुगली करता हूँ? सुनो, आज तक तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, आज की तारीख में तुम मेरा स्टेटस नहीं जानते हो। तुम मुझे क्या फंसाओगे? मैं तुम तुम्हें फंसाऊंगा। ये मजाल, तुझे अपना भतीजा समझकर सर पे बिठा दिया, लेकिन तूने दामाद के सामने मेरा अपमान किया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे छोड़ेगा? दूसरों के लिए तो गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। अब तेरी बारी। ये क्या, मेरे सामने टांग पिटा रखे हिला रहा है? इस कबूतर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ऐ सुना नहीं, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? एक जो इनके सामने छोटा बच्चा है, इन्होंने चुट जैसे कितने कबूतर को देखा होगा। ये सीएम के ससुर जी है, इनकी थोड़ी तो इज्जत क्या कर। एक दूंगा ना कान के नीचे, सीधा तबेले में जाके गिरेगा। बी केयरफुल। देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी आओ, ये मुझे मार रहा है। जल्दी आओ। आ रहा है। मैं कब आ रहा हूँ? नरेंद्र बेटा आएगा, तू जल्दी से माफी मांग। बात ये है, क्यों बोल रहा है तो कोई सुने ना, इसीलिए वो जगन साहू जब हमारे हाथ आएगा उसके साथ क्या सुलूक किया जाए, यही बोल रहा था ना मैं। ये बेचारा तो बात कर रहा था, आप तो खामा खा इस पर नाराज हो रहे हैं। ये खुसुर फुसुर फिर से क्यों? खुसुर फुसुर नहीं, जब नरेंद्र ठाकुर सीएम बनेंगे ना तो आप ही होम मिनिस्टर बनेंगे ना, यही बोल रहा था मैं। सही फरमा रहा है। नरेंद्र जल्दी आओ। उसे बुला रहे हैं? उसे क्यों बुला रहे हैं? उसे पौवा मार के सोने दीजिए ना, कुछ नहीं दिया क्या? लगता है बहरे सुनहरे ख्यालों में खो गए हैं। सुनहरे ख्यालों में फरमाया, इस बहरे का बदन वजनदार है, किसी बैल से कम नहीं। क्यों रे, यहाँ गड्ढे खोद रहे हैं क्या? बाप रे, मैंने नहीं खोदा, मैं तो भजन की बात कर रहा था। अरे हाँ बोला, जाओ 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 भोजन करके जाओ। सर यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में सत्या कह रहा था, होम मिनिस्टर रमेश कौर और दूसरे पॉलिटिशियन के बिग क्राइम्स का जिक्र है इसमें। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्य है, मैं अपने होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ। मेरे हाथों होम मिनिस्टर साहब ने कई कर्ज करवाए हैं, मैं 12 वर्षों तक उनका गुर्गा बनकर काम करता रहा हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं उनके यहाँ उनका गुर्गा बनकर काम करता रहा। अच्छा बयान दिया है सत्या, वेरी गुड, काफी कोऑपरेट किया तुमने। साहब मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए मालिक। सत्या यही तुम्हारा वकील है और ये तुम्हें टेम्पररी जेल में बाहर लाएंगे और उसके बाद तुम्हें जेल की सजा काटनी नहीं होगी। सर एक बात का ख्याल रखिए, जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया साहब। He confessed and cleared his mistakes. Can I let him go? If these people change, then I think we can let them go. Okay, सत्या तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। जी मालिक। नमस्ते सर। सर आपने पटा देने का वादा क्या था ना, इसलिए आए हैं। सर आप भगवान हैं सर, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। सर एक NRI होते हुए हिंदुस्तान की जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कारण जान सकता हूँ? अमेरिका में रहूं या दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तानी होकर इस देश के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, गरीबों के साथ न्याय करके गरीबी को हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। क्या आप सचमुच में सीएम बनना चाहते हैं? मैं सीएम बनूं या फिर ना बनूं, लेकिन अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करूंगा। सच्चाई के लिए जीऊंगा और सच्चाई के लिए मरूंगा। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा। अमीरी और गरीबी के बीच जो दूरी है उसे कम कर दूंगा मैं, और जात पात के नाम से कोई दंगा फसाद नहीं होगा। गरीबी रेखा के नीचे जो है उसे ऊपर उठा के रहूंगा, यही मेरा मकसद और गोल है। सर आपको हमारी भी उम्र लग जाए। राय साहब जमीन के कागजात लाइए। भारती जी धन्यवाद सर। सुशीला जी शुक्रिया। किशन प्रसाद जी नमस्ते सर। भगवान तुम्हारा भला करे। शंभूलाल जी नमस्ते। मालिक किरण बाला नमस्ते सर। शुक्रिया सर। आप हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देखिए जनता हमें अपना वोट देकर कुर्सी पर बिठाती है उनकी सेवा करने के लिए, न कि हमारे घर वालों की सेवा करने के लिए।
नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज सर, होम मिनिस्टर जगन्नाथ हमसे काफी नाराज है क्योंकि हम आपकी मदद करते रहे ये बात वो जान गए। उनसे कहिए कि तुरंत इस्तीफा दे दें, तभी वो जेल की सजा से बच पाएंगे। वो काफी अकलमंद है, जेल की सजा से बचने के लिए वो विदेश भी भाग सकता है। हम फिर से कोशिश करके देखते हैं सर। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी सारी फाइल सीबीआई को सौंप दूंगा इमीडिएटली। गवर्नर से बात करके किसी भी तरह डील कर लेंगे सर। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो फाइल सीबीआई के हवाले कर देंगे। सत्या को सिक्योरिटी प्रदान की है आपने, उसने हमारी मदद की है, इसलिए होम मिनिस्टर से भी टपका सकता है। जल्द से जल्द आप उसे छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। उसकी टेम्पररी बेल को कैंसिल करके आप उसे बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। ओके सर, सत्या को सिक्योरिटी देने के साथ साथ जल्द से भी जल्दी रिहा कर दूंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ मालिनी सिंह। मुख्य समाचार, अभी अभी खबर मिली है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार जगन साहू ने मीडिया को इंटरव्यू दिया। सर, मीडिया के द्वारा आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? किसी को नोटों की माला मत पहनाइए आप। अगर 20 लाख रुपए गरीबों की पढ़ाई में खर्च कर देते तो कई गरीबों की जिंदगी संवर जाती। आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप किसी भी राजनेता या एमएलए से मत डरिए। मजहब को लेके जो प्रचार करते हैं उनके बारे में आपका कहना? मजहब के नाम पर वोट लेने वाले नेता को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मीडिया के बारे में आपके विचार? भारत देश एक विकासशील देश है, मीडिया काफी मददगार साबित हुआ है, हमारी जनता की आंखें खोल दी है। गलत नेता के खिलाफ आप कदम उठाइए और हमारी जनता को सही मार्ग दिखाइए। अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं देश के गरीब जनता के साथ न्याय करूंगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को ऊपर उठाऊंगा मैं। कोई भी गरीब रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर नहीं भटकेगा। एक आखिरी सवाल, राज्य की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? न्याय के लिए लड़े और अन्याय का दमन करे। जात पात के नाम पर दंगा फसाद करने वाले नेता को उखाड़ कर फेंकूंगा मैं। गवर्नमेंट हमारी है, वो क्या करेगा मैं देख लूंगा। इस राज्य का भावी सीएम मैं हूँ, यही मेरा संदेश है। नमस्ते। आगे नमस्ते सर। ओके, हम उस मीटिंग में जरूर आएंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है मैडम। थैंक यू मैडम। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा पूरा सहयोग आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। मिस्टर जगन, मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है, उसे बात कीजिए। सर, विल मीट सर। प्लीज कम टू माय ऑफिस। या आई कम, प्लीज वेट फॉर मी सर। श्योर सर। ओ नमस्ते जी भाई साहब, और तुसी फिकर ना करो, असि ओथे पहुंच रहे ने। आज ओथे पहुंच के गलबात आराम नाल करेंगे। रूलिंग पार्टी पे भरोसा करके जनता ने उन्हें जिताया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जनता से बार बार यही कहूंगा कि वोट देने से पहले एक बार सोचा करें। सर, एनबीसी न्यूज द्वारा आप जनता से क्या कहना चाहते हैं बोलिए। तब भी कहा था, आज भी मैं यही कहूंगा, जब तक के शरीर में जान है गरीबों के हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और सीएम के बारे में आपके क्या विचार है? सीएम और उनकी अराजकता को मैं कंट्रोल करते आ रहा हूँ, और हमारी जनता भी ये सच्चाई जानती है। अगर गुंडाइज्म या राउडीज्म को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो सरकार को आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वो भी हमारी सरकार को। आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊंचे ओहदे पर नौकरी पर रखकर ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा के रख दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। साहिब, सुना है जगन साहू की हरकतें अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं, क्या करें हम? आज की ब्रेकिंग न्यूज, होम मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यदि वे अपना गुनाह कबूल करके इस्तीफा देंगे तो उनके इस्तीफे से सजा कम होने की गुंजाइश है। अतः इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं है, कहकर जगन्नाथ मिश्रा ने गवर्नर तिवारी को अपना इस्तीफा दे दिया। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर और उनके बेटे नरेंद्र ठाकुर उनसे काफी नाराज है, ऐसी खबर आई है। दिन ब दिन रूलिंग पार्टी बलहीन होती जा रही है, ऐसा एनबीसी न्यूज सर्वे के जरिए हमें पता चला है। जगन साहू को महिला संगठन कितना समर्थन दे रही है, ये एनबीसी न्यूज सर्वे बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसके साथ समाचार समाप्त होते हैं। होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दिए हैं और थोड़े अमले भी उनके साथ मिल गए हैं। परिस्थिति बड़ी गंभीर होती नजर आ रही है सर, आप कुछ नहीं करेंगे तो मामला उलझ जाएगा सर। सोच लीजिए, कहीं आपकी कुर्सी चली गई तो आपको इसी घर में रहना पड़ जाएगा। दिल्ली से रावत साहिब का फोन। हाँ बोलिए, मैं जानता हूँ। हाँ तो इसमें हमारा क्या नुकसान? रेखा, राठौर साहब को चेक मिला क्या? यस, राठौर साहब अपने वादे के मुताबिक 1 लाख बच्चों को मुफ्त भोजन खिलाने का प्रबंध किया है। कितने करोड़ का चेक भेजे हैं? 25 करोड़ के चेक भेजे हैं। वेरी गुड। देखो रेखा, मैं सारी फाइल्स पर साइन कर देता हूँ। सुनो, कल हम दोनों मिलकर पूरा काम निपटा देंगे। okay. तुम काफी थक गई हो, जाके आराम कर लो।
बच्चा मैडम को छोड़ दो वरना मैं इसकी खोपड़ी छलनी कर दूंगा। देखा इस तरफ आओ। जाओ यहाँ गाड़ी है तो यहाँ से चले जाओ तुम लोग। कहा ना मैंने तुम तीनों सिर तरह यहाँ जाओ। चलो यहाँ आओ। अरे कहा ना आने के लिए आओ। हाँ नमस्ते। तो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे? मेरे डैडी बात करेंगे। जगन आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारी इस हैसियत से मैं बिल्कुल अनजान था। अगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लें तो चार चांद लग जाएंगे। सेंट्रल का मैं प्रधानमंत्री बनकर तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा, प्रिया से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और तुम्हारी इमेज और भी बढ़ जाएगी। अरे मैंने सोचा तुम यहाँ आकर अपने गुनाहों को कबूल करेगा, लेकिन तुम मुझे भी गुनाह करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम कभी नहीं बदलोगे। अब भी मौका देता हूँ मैं तुम्हें, अपने गुनाहों को कबूल करो तो मैं तुम्हारी सजा कम करा दूंगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जेल में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब चलिए यहाँ से। बिल्कुल सही कहा। चलो जगन, अपनी बेटी से शादी करा के मैं तुम्हें सीएम बनाना चाहता था पर तुमने मेरा ही अपमान किया। ये अपमान महंगा पड़ेगा। ओके, वो भी देख लूंगा। डैडी, लेट्स गो। चलो बेटी। ये कभी नहीं सुधरेगा, इसे तो जेल की सजा होनी चाहिए। इडियट। अब कैसे करेंगे पिताजी? ऐसा ही करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर, अगर हम हार गए तो? किसने बोला? काट के रख दूंगा। दिमाग खराब है क्या? आने वाले चुनाव में हम ही जीतेंगे। चिंता मत करो, हमारे पास दौलत का भंडार है, ताकत भी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है। चंद्रशेखर ठाकुर जिंदाबाद।
हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख पौधे लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख पौधे लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। गल वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे, एक धोखा खा चुके। नमस्कार, मैं मालनी सिंह, ब्रेकिंग न्यूज। पीपल पार्टी के उम्मीदवार जगन साहू चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर ठाकुर से 3 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। पीपल पार्टी के 190 उम्मीदवार रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार से आगे हैं, जिनमें से 150 उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को 12 सीट, बीजेपी को 5 सीट और जनता दल को 4 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी को 20 सीट मिली हैं। राज्य के गवर्नर ने जगन साहू को बधाई देकर गवर्नर हाउस में आने का न्योता भी दे दिया। कल सुबह ठीक 12 बजे जगन साहू मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और जनता का कहना है कि न्याय और अन्याय के युद्ध में न्याय की जीत हुई है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर ठाकुर और उनके बेटे ने जो भी घोटाले किए हैं उसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाएगी और दोषी पाने पर दोनों को कठिन से कठिन सजा भी दी जाएगी। मैं मालनी सिंह, एनबीसी न्यूज। विश्वास रख के आप सब लोगों ने मुझे इस राज्य का सीएम बनाया है, मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं गरीबों को उनका हक दिला के ही रहूंगा। I will create a system where it will completely destroy the difference between caste and creed. मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार को मिटा के ही रहूंगा। नमस्ते। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा।
सर प्लीज आइए, प्लीज आइए आइए आइए। आज वो शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठता है मैं भी देखता हूँ। सर सीबीआई ऑफिसर आपको गिरफ्तार। आहा, क्यों कमिश्नर, सबको साथ में ले आए? मैं हार गया ये याद दिलाने आए हो? सॉरी सर, कोर्ट ने आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं और आपका केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। हम लोग सीबीआई ऑफिसर हैं। सीबीआई? तुम कोई भी हो मुझे क्या? कल तक इस राज्य का सीएम हुआ करता था ये चंद्रशेखर ठाकुर। आने वाले दिनों में देख लेना, फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। भाई इलेक्शन करवा के मैं फिर से सीएम बनूंगा। कोर्ट और जेल को क्या मैं नहीं जानता? पदवी गई तो क्या, शोहरत तो बरकरार है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ही अरेस्ट करने चले आए? शराफत से सबको लेके बाहर चले जाओ। सुनो कमिश्नर, फिजिकली मेंटली आई एम ऑल राइट। कानून मैं जानता हूं, अरेस्ट तभी कर पाओगे जब मैं कोई गुनाह करूंगा। उसके लिए ठोस सबूत भी चाहिए, कोर्ट में साबित करने के लिए मेन विटनेस भी चाहिए। मेरे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत इस राज्य में किस में है? सामने आकर दिखाए, उसे यहीं पर काट डालूंगा। बुलाओ गवाह को, बुलाओ। बुलाता हूँ सर, और कोई विटनेस हमारे पास? कौन है, कहाँ है वो? तुम्हारे घर में ही है। मेरे ही घर में? आपकी ही बेटी सर। सॉरी डैड, मैंने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। प्रिया, मेरे साथ डैडी के साथ तुमने विश्वासघात किया। डैडी, मैं जानती थी आप कभी नहीं बदलेंगे। मैंने आपके खिलाफ गवाही दी है और मुझे कोई अफसोस नहीं है। आई एम सॉरी। अनदर शॉक फॉर यू सर, आपके लिए एक और सरप्राइज है। हमारे पास और भी पावरफुल विटनेस है, आप भी सुनिए। मैं सीएम का बेटा नरेंद्र बोल रहा हूँ। सीबीआई इंक्वायरी में मैंने सब सच सच बता दिया है। ये बयान मैं अपने पूरे होश आवाज में दे रहा हूँ। मेरे पिता ने अभी तक करीब 300 कत्ल किए हैं, 30,000 करोड़ गैर कानूनी रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई करोड़ों की सरकारी जमीनें भी दी हैं। मेरे पिता के भरोसेमंद मंत्री लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। जनता को मैंने धोखा दिया, तुमने मुझे ही धोखा दिया। शाबाश, औलाद होने का अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला दिया। सर चलिए सर। हे, तुम मुझे क्या समझते हो? काट डालूंगा। अरेस्ट यू। छोड़ो, बिन माँ के बच्चों को मैंने माँ का प्यार भी दिया और तुमने मुझे ही जेल भेज दिया। मुझे सीएम बनाने के सपने देखे थे लेकिन तूने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बहुत अच्छा सिला दिया। I'm sorry पिताजी, मैंने ये आपके अच्छे के लिए किया। काट डालूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। Yeah.
मैनेजर, चुप तो चिस्ता हलचल,